2 days since BJP president Rajnath Singh's meet with top Shia cleric Maulana Kalbe Jawad in Lucknow JD leader K C Tyagi today said the BJP maintains double standards over Muslim appeasement in an exclusive chat with NNIS Tyagi also said that the BJP is being benefited because of the anti-incumbency wave against the Congress Tyagi said that the 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 BJP has always maintained double standards when it it comes to to wooing Muslim 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 electors. He added, on 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 one hand, hand, party talks of welfare of welfare community but does nothing for them, and on the other hand, it keeps on making every effort to attract the Muslim community for electoral gain. जब गैर भाजपाई दलों के नेता मुस्लिम नेताओं से मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुस्लिम तुष्टिकरण है छतम धर्मनिरपेक्षता है और हम वोटों की राजनीति कर रहे हैं अब ये स्वामी इसी काम को कर रहे हैं तो ये बताएं कि इनके मिलने में और हमारे मिलने में कैसे मात्रा भेद है त्यागी सेट कैंपेनिंग अमंगशनिंग बट एजेंडा प्रायोरिटी हम जनता के को किए गए वायदे और चुनाव में कितने हमने पूरी किए उसके आधार पर चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं किसी वर्ग विशेष का जाति विशेष का समूह विशेष का रण की बात करने भर से अब किसी को संतुष्टि नहीं होती जनता को काम चाहिए हम बिहार में अपने पिछले आठ साल के काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं scenario। ही नरेंद्र मोदी की वेव है ना भाजपा की वेव है ये मूलतः कांग्रेस विरोधी वेव है जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच में चुनाव है वहाँ उसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को होगा जहां पर गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी दल हैं, वहां उसका फायदा उन क्षेत्रीय दलों को होगा दिस रिपोर्ट इज ब्रॉट बाई एन एन आई एस